हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार में। इस बार तो कमाल ही कर दिया, अजीब। पहली बार इतिहास में ऐसा होने वाला है कि सीटेट में सबसे ज़्यादा इस बार चैलेंज किए गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आपका जो अपना परिवार है इसको और बढ़ाने में आप मदद करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जो लोग भी चैनल पर आएँ सब्सक्राइब करके ही जाएँ, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, माँ भगवती सभी को सफल करें, सभी को अच्छे नंबर प्राप्त हों, ये हम ऐसी कामना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और न्यूज़ दे दें। दोस्तों, इस चैनल पर जल्द ही जो लोग किसी वजह से फेल हो गए हैं या किसी कारण से कम नंबर ला पाए हैं, उनके लिए सीटेट जल्द ही होगा और यूपी टेट भी जल्द होगा। वो हम बात करेंगे आगे, सीटेट और यूपी टेट की। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसमें इस चैनल पर लाइव क्लासेस चलने वाली हैं यूपी टेट की और सुपर टेट की, वो आप पा सकें। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम बात शुरू करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। इस बार इतने चैलेंज किए गए जिनका कोई पिछले कई वर्षों में सबसे ज़्यादा इस बार विवादित रहा, ये उत्तर कुंजी। इस बार जो उत्तर कुंजी है इतनी विवादित रही कि इस बार कई क्वेश्चनों के आंसर जो गलत आए हैं उत्तर कुंजी में, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज हुए हैं। पहली बार ऐसा किया भी गया है कि बहुत ज़्यादा चैलेंज भी किए गए हैं, और जबकि इतनी महंगी फीस होने के बाद भी इस बार 1,000 फीस कर दी गई। पहले 100 हुआ करती थी, फिर 500 हुई, इस बार तो 1,000 कर दी। फिर भी बच्चों के साथ साथ बड़े बड़े टीचर इंस्टीट्यूटों ने भी इस बार बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत से ज़्यादा क्वेश्चनों पर कंप्लेन की है। बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जिन पर चैलेंज किया गया है। तो इस बार आप मान सकते थे, हज़ारों क्वेश्चनों, हज़ारों लोगों द्वारा चैलेंज किया गया है, हज़ारों लोगों द्वारा चैलेंज किया गया। तो इस बार जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी, उसमें बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना जैसे कि बताई जा रही है, वो है नहीं। बहुत बड़े उलटफेर नहीं होगी, लेकिन इस बार काफ़ी क्वेश्चन, कई नंबरों का फर्क पड़ सकता है। 2 से 5 नंबर, 2 से 3 नंबर तो एग्जैक्ट फर्क पड़ जाना चाहिए, 2 से 3 नंबर तक का एग्जैक्ट फर्क पड़ जाना चाहिए। जो सोशल वाले हैं उनके कहने में 4 नंबर तक का फर्क पड़ जाएगा, और जिन्होंने किसी कारण से 1, 2, 3 नंबर से रुक रहा है, तो हो सकता है कि वो लोग पास हो जाएँ। और कुछ जो लोग पास हैं उनके साथ कुछ ना करें माँ भगवती की किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो, लेकिन आप देखते रहिएगा इस बार। लेकिन 1, 2 नंबर से रुकने वालों का पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर उन्होंने सही उत्तर लगाया है और उत्तर की में गलत आ गया है, तो उनकी पास होने की संभावना 100% मानी जा सकती है, क्योंकि इस बार चैलेंज किए गए हैं और इस बार उत्तर कुंजी सुधर कर भी आने की संभावना है। आपको फाइनल आंसर की में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। किस किस सेक्शन में, तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो है, जिन्होंने सोशल का क्वेश्चन पेपर दिया था, साइंस वाले छोड़ दें, जो आर्ट वाले थे, सोशल का जिन्होंने पेपर दिया था, उनके उत्तर कुंजी में 2 से 3 नंबर, सोशल में 1, 2, 3 नंबर तक का उलट फिर हो सकता है। पैडॉक से जो क्वेश्चन है, पैडा वाले जो क्वेश्चन है, उस पर कोई चैलेंज किसी प्रकार का करने पर ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन जो थे उन पे भी इस बार कई आंसर की में, कुछ आंसर की में गलत पाए गए हैं, जिनका जो CBSE है वहाँ पर चैलेंज कर दिया गया है, और उस पर फैक्चुअल चीज़ें भेज दी गई हैं, फैक्ट के साथ उसको चैलेंज किया गया है। इस बार बहुत से ज़्यादा चैलेंज किए गए, जिससे कि इस बार आंसर की में जो आने वाली है उसमें काफ़ी उलटफेर हो सकता है। आप लोग जो 1, 2, 3 नंबर वाले हैं, वो इस बार हो सकता है कि इस बार ना रुके उनका, अगर उन्होंने उत्तर कुंजी में सही सही उत्तर लगाया है। और किस किस सेक्शन से कितना कितना उत्तर कुंजी जो इस बार चैलेंज की गई है, किस किस सेक्शन से कितनी की गई है, तो हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में जो उत्तर कुंजी चैलेंज सबसे ज़्यादा हुई है, वो हुई है, एक तो CDP में कोई समस्या नहीं थी, वो भाषा में बहुत ज़्यादा चैलेंज कर दी गई है इस बार, भाषा। और एक सेक्शन सोशल वालों को जो था, वो सोशल और साइंस, साइंस में 1, 2 क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं, और सोशल में चैलेंज किए गए हैं सबसे ज़्यादा, और उसके बाद भाषा। भाषा, सोशल और साइंस, इन 3 विषयों में कुछ ज़्यादा ही चैलेंज हुआ है। CDP में किसी प्रकार का चैलेंज करने लायक कोई क्वेश्चन नहीं था, तो उसमें आप परेशान ना होइए। जो 16, 15, 14 नंबर के क्वेश्चन बता रहे हैं कुछ, कि 16 नंबर हमारा इसका आंसर ये नहीं होगा, तो उसमें CDP में किसी भी प्रकार की कोई भी आंसर की में कोई भी उलटफेर नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने वाला। उसमें 100% जो उत्तर की दी गई है वही फाइनल भी आएगी, और किसी प्रकार की कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन जो बात हो रही है वो है साइंस के पेपरों में, जिसका साइंस में क्वेश्चन का आंसर जो है वो चेंज हुआ है, तो उसमें 1, 2 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। भाषा में 1, 2 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, जिससे कि इस बार जो लोग 1, 2 नंबर से रुक रहे हैं, तो उनके रिजल्ट में पास लिखा जा सकता है, माँ भगवती उनको पास करे और उनके रिजल्ट में पास दिख सकता है। इनके लिए खुशी की बात होगी, और हो सकता है कि आपको इस बार इंतजार करना होगा उत्तर कुंजी की, जो फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की रिजल्ट
इससे जुड़ी हुई जो हम जो पूरी जानकारी है वो आज हम आपको कल देंगे इसके बारे में, कल या तो फिर आपको शाम तक जिस भी समय हमें पूरी जानकारी हमारे पास इकट्ठा होगी तब हम आप तक वो वीडियो बनाकर पहुंचा देंगे। अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है कि कब क्या होगा, तो उसके लिए परेशान ना हो। कमेंट में किसी प्रकार का कमेंट करने से पहले माँ भगवती जरूर लिखें, कमेंट में किसी प्रकार का कमेंट करने से पहले माँ भगवती जरूर लिखें। आप सभी का कल्याण होगा, आप सभी माँ भगवती आपको सभी को लाभ पहुँचाए, सभी को आगे बढ़ाए। इस चैनल पर जो लोग आ गए हैं वो सुपर टेट यूपी टेट के लिए आप जुड़ सकते हैं, और वैसे भी जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर अच्छी अच्छी न्यूज़ें जो भी जानकारियाँ होंगी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें होंगी, रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हुई खबरें जल्द ही उसमें आपको देखने को मिलेंगी, जितनी भी खबरें होंगी एग्जाम से जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी परीक्षा होगी उसके उत्तर कुंजी से लेकर और उसमें जो भी एग्जाम में पैटर्न पूछा जाता है उनके विषय में सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा। आप जो लोग डिसलाइक करते हैं उनसे इतना ही कहेंगे कि वो मन से डिसलाइक करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग इस परिवार को अपना परिवार समझते हैं वो उसको लाइक करके जाइएगा, क्योंकि सभी लोग अपने हैं और अपने लोग अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे लोग हैं। आप सभी का माँ भगवती भला करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।